आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। रक्षाबंधन का त्यौहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही महिलाओं की भीड़ डाकघरों में देखने को मिल रही है। सुबह के वक्त से ही बहनें अपने भाइयों को राखी भेजने के लिए पहुंच रही है। ऐसे में डाक विभाग ने रक्षाबंधन को देखते हुए घंटाघर स्थित जीपीओ में 4 स्पेशल काउंटर खोले हैं, जिसमें 3 काउंटर शाम 7 बजे तक और चौथा काउंटर रात 12 बजे तक खुला रहेगा। बता दें कि जैसे जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार पास आ रहा है, जीपीओ में भी राखी पोस्ट करने वालों की भीड़ बढ़ रही है। यहाँ हर रोज 1000 से ज़्यादा लोग राखी पोस्ट करने पहुँच रहे हैं। रक्षाबंधन में हमारे यहाँ जीपीओ में हमने रक्षाबंधन के लिए स्पेशल जो काउंटर्स की जो व्यवस्था करके बुकिंग के लिए 3 काउंटर स्पेशल काउंटर खोले हैं, जो कि 7 बजे तक काम करते रहेंगे। सुबह से 7 बजे तक काम करते रहेंगे, जबकि पहले जो समय था उनका 5:30 बजे तक 5:30 में क्लोज हो जाते थे। अब एक हमने रक्षाबंधन में 3 तो स्पेशल काउंटर खोल रखे हैं, एक हमने ऑटोमेटिक मशीन लगा रखी है, वो भी सुबह 8 बजे से आपके शाम 7 बजे तक काम करती है। अब संडे को एक स्पेशल हमने इस साल एक नई व्यवस्था कर रखी है कि संडे को भी हम 2 काउंटर रक्षाबंधन में बुकिंग के लिए खोलेंगे जीपीओ में। एक 2 जीपीओ में खोलेंगे, एक हमारा जीपीओ के परिसर के बाहर है, वो भी रात संडे को सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक चलता रहेगा। एक स्पेशल बाहर का काउंटर, अंदर के 2 काउंटर चलेंगे 6 बजे तक संडे को, और एक स्पेशल मशीन काम करती रहेगी। फिर उसके साथ संडे को वैसे टिकटों की बिक्री नहीं होती थी, तो इस साल हमने एक स्पेशल व्यवस्था कर दी, क्योंकि इसमें टिकटों के साथ इसमें वो भी मिलेंगे, आप राखी के लिफाफे मिलेंगे, टिकट में मिलेंगे, जो भी सामग्री लेना चाहता है आदमी उसको लेने के लिए भी जीपीओ परिसर में आ सकता है। खरीद करके अपने भाई बहनों को जो गिफ्ट भेजना है या कुछ भी भेजना है राखी के त्यौहार पर भेज सकते हैं।